हेलो एंड वेलकम। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसका नाम है टमी टक सर्जरी, या जिसे कई लोग मॉमी मेकओवर के नाम से बहुत कॉमनली जानते हैं। उस पर हम फोकस करने वाले मेनली टमी टक के ऊपर। टमी टक कई बार लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, लाइपोसेक्शन टमी टक दोनों में क्या डिफरेंस है, और आज हम ये सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अंकित गुप्ता है, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ, और आज की वीडियो है टमी टक। सो टमी टक क्या होता है? टमी टक एक सर्जरी है जिसमें जितनी भी एक्स्ट्रा स्किन होती है टमी की, तो जितनी भी लूज स्किन एक्स्ट्रा स्किन जो कि मोस्टली डेवलप होती है पोस्ट प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट मैसिव वेट लॉस, यानी बहुत ज्यादा वेट लॉस किया है, या फिर बेबी डिलीवर होने के बाद जो लूज स्किन लोअर एब्डोमेन में आ जाती है उसको ठीक करना या उसको एड्रेस करने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसे हम टमी टक सर्जरी करते हैं। टमी टक सर्जरी के तीन मेजर कॉम्पोनेंट हो जाते हैं। नंबर वन उसमें आता है जिसमें होता है मसल्स को टाइट करना। तो हम सबको पता है कि हमारी बॉडी में जो सेंटर में मसल्स होती है उसे रेक्टस मसल्स कहते हैं, यानी जो एब्स बनाने के लिए या जो एब्स में दिखाते हैं वो मसल्स सेंटर में एक मसल्स होती है जिन्हें कहते हैं रेक्टस मसल्स। होता क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान जब पेट में बेबी होता है और जब पेट एक्सपैंड करता है बहुत ज्यादा, ये जो दो सेंटर की मसल्स हैं स्प्लिट होकर दोनों दूर दूर चली जाती हैं, जिस वजह से फीमेल्स में ये दोनों मसल्स दूर दूर चली जाती हैं और बीच में गैप क्रिएट हो जाता है, और इससे आपका जो एब्डोमेन है वो बल्ज करने लगता है। आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज करें, जितना मर्जी टमी के एरिया को एक्सरसाइज करें, तो भी कई बार फीमेल्स में इस पोर्शन का जो पैट है या इस पोर्शन के जो बल्ज है वो नहीं जा पाते। ये होता है बिकॉज जो रेक्टस की मसल्स हैं वो दोनों अलग अलग चली गई, यानी रेक्टस डायस्थेसिस हो चुका है। द टमी टक का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसमें हम इन दोनों मसल्स को सेंटर में स्टिच कर देते हैं ताकि एनाटॉमिकली वापस, यानी कि नेचुरली जैसी वो मसल्स थी उनको वापस बीच में ला के बंद कर देते हैं, ताकि जो पेट का कंटेंट बाहर को आ रहा है वो वापस पेट के अंदर चला जाए। दूसरी प्रॉब्लम जो टमी टक में एड्रेस होती है वो होती है लूज स्किन की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब ये सब अंदर चला जाएगा और जब ये सारा फैट निकल जाएगा तो काफी सारी लूज स्किन बचेगी इनमें। तो वो जितनी भी लूज स्किन होते हैं, जो कि हम मान के चल रहे हैं इनके पेशेंट में कम से कम नहीं तो इतनी लूज स्किन बचेगी, उस पूरी की पूरी लूज स्किन को हम निकाल सकते हैं। इसका एक एडिशनल फायदा ये है कि जिनको यहाँ पे पोस्ट प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं वो वाली स्किन होती है ये मोस्टली, और जब टमी टक में इस स्किन को हटा दें तो वो स्ट्रेच मार्क्स भी निकल जाते हैं। थर्ड कॉम्पोनेंट जो इसका होता है वो होता है लाइपोसक्शन, और इसको हम कहते हैं 360 डिग्री टमी टक, जिसके अंदर हम साइड का और बैक एरिया का लाइपोसेक्शन कंबाइन कर देते हैं। तो जब हम इन तीनों चीजों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, कि हम साइडों का पूरा बैक का पूरा फैट निकाल देते हैं, हम रेक्टस मसल्स को बीच में स्टिच कर पाते हैं, और जितनी भी एक्स्ट्रा स्किन है वो हम निकाल पाते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें अब हमने ये तीनों कॉम्पोनेंट इनके लिए किया है जिससे साइड के सारे फैट निकलने की वजह से जो शेप है वो थोड़ी आरग्लास शेप आ चुकी है, जो सेंटर की मसल्स को टाइट करने की वजह से अब इनका जो सेंटर का बल्ज था वो पूरा का पूरा चला गया है, और जितनी भी लूज स्किन थी नीचे की ये सारी की सारी निकाल दी गई है। हमने करीबन यहाँ पे एक स्कार दिया है, जो कट है वो इस पोर्शन में दिया हुआ है, और स्किन यहाँ से लेके यहाँ तक की कम्प्लीटली स्किन हमने निकाल दी है। तो इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं कि पेशेंट का जो टमी है वो काफी ज्यादा बल्ज करता है जब वो आगे को झुकती हैं, जबकि बाद में आप देखें तो इवन इफ जब वो झुक रही हैं तो भी ये जो बल्ज था पहले वो अब बल्ज उतना नजर नहीं आता जितना कि वो पहले नजर आ रहा था। पहले ये अच्छा खासा बल्ज था, जो कि सर्जरी के बाद ये बल्ज जो है काफी हद तक चला जाता है। अगर मैं बैक की बात करूं तो बैक में भी जितने भी एक्स्ट्रा बल्जेस हैं, जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, इन सबको भी एड्रेस किया है, और एक शेप आ गई है बैक की भी, और एक आरग्ला शेप दिखने लग गई है जो कि काफी बेटर है पहले से। तो तीनों कंपोनेंट्स को एड्रेस किया जाता है, प्लस जो बेली बटन होता है वो बेली बटन वापस से बनाया जाता है, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा स्किन थी वो एक्स्ट्रा स्किन सारी की सारी निकाल दी गई है। आप अगर इसमें देखना चाहते हैं तो करीबन इतनी एक्स्ट्रा स्किन हम इसमें से निकाल देते हैं, और ये स्किन निकलने के बाद जो बेली बटन है बेली बटन पूरा का पूरा निकल जाता है इनके केस में, क्योंकि इन्हें हर्निया की प्रॉब्लम थी, एक अम्बिलिकल हर्निया था यहाँ पर, वो हर्निया भी एड्रेस किया गया है, और उसके बाद एक नया अम्बिलिकस क्रिएट किया गया है। तो ये ओवरऑल टमी टक के रिजल्ट्स हैं। तो टमी टक की अगर मैं बात करूँ, टमी टक किन के लिए है? टमी टक मोस्ट इंपॉर्टेंटली है पोस्ट प्रेगनेंसी, जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपकी अभी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है तो टमी टक आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करेंगे, हमने जितना रिपेयर किया, जो रेक्टस बीच में सिलाई करी है, जो हमने स्किन निकाला है, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि टमी टक के बाद आप और बच्चे नहीं कर सकते, बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो सारा सर्जरी वेस्ट हो जाएगा और आपको वापस से सब कुछ करवाना पड़ेगा आफ्टर योर फैमिली इज कंप्लीट। इसलिए फैमिली कंप्लीट हो जाए उसके बाद एक या दो साल के बाद आप टमी टक कराएं। प्रेगनेंसी के बाद एटलीस्ट 6 मंथ्स का गैप जरूरी है बिफोर आप टमी टक कराएं। यदि आप बेबी को मिल्क पिला रहे हैं, लैक्टेटिंग मदर हैं आप, तो मैं चाहूंगा कि एक बार आप उन सारी जो अपनी जिम्मेवारी है उसको पूरा कर लें, और उसके बाद अराउंड 1 ईयर 1.5 ईयर का जब आपका बेबी हो जाए, आपके घर में बेबी को संभालने के लिए कोई हो, तब आप टमी टक की सर्जरी।
शिकार है। अगर मैं इसके रिकवरी की बात करूं तो इसकी जो रिकवरी होती है वो आमतौर पे आपको हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन के लिए मिनिमम रहना पड़ता है। 1 दिन या 2 दिन के बाद आपका डिस्चार्ज हो जाता है, पर आपको घर में लाइट वर्क अलाउ हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 1 वीक का रेस्ट आपके लिए रहेगा। तो अगर आप वर्किंग लेडी हैं, अगर आप ऑफिस जाती हैं, तो आपको मिनिमम 7 to 10 days का लीव इसके लिए लेना पड़ जाएगा। अगर मैं स्कार की बात करूं, जो स्कार होता है वो बिकनी लाइन स्कार होता है, यानी कि वो जो स्कार होगा वो बिल्कुल आपके पैंटी लाइन में छिप जाता है ताकि किसी को ये चीज नजर ना आए। कोई भी स्कार ऐसे सेंटर में मिड लाइन में नहीं होता है, ताकि साड़ी पहनते समय या जहां पे भी आपका वेस्ट दिख रहा है किसी भी ड्रेस में, आपकी जो शेप है वो अच्छी दिखे और कोई आपको निशान या स्कार नजर ना आए। यदि मैं लाइपोसक्शन और टमी टक की बात करूं, तो लाइपोसक्शन केवल फैट को निकालता है। टमी टक लाइपोसक्शन प्लस मसल प्लस स्किन तीनों को एड्रेस करता है। टमी टक एक बड़ी सर्जरी है कंपेयर टू लाइपोसक्शन। टमी टक के रिजल्ट्स काफी बेटर हैं कंपेयर टू लाइपोसक्शन। तो पोस्ट प्रेगनेंसी जो फीमेल्स हैं उनमें जब स्किन लूज हो जाती है, जितनी मर्जी एक्सरसाइज करने का, जो लोअर टमी की एक्स्ट्रा स्किन होती है वो नहीं जाती है, तो जो रिकमेंडेशन होगी वो होगी टमी टक की। पर यदि आप मेल हैं या प्री प्रेगनेंसी या आपकी मसल्स अगर प्रॉब्लम नहीं दे रही है और अगर केवल फैट है आपकी बॉडी में, तो आपके लिए जो सर्जरी होगी वो होगी लाइपोसक्शन। तो यदि आप अपने टमी की शेप से परेशान हैं, अपने वेस्ट की शेप से परेशान हैं, आप अपनी वेस्ट को बेटर बनाना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपके लिए लाइपोसक्शन ठीक होगा या टमी टक, तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको बताएगी कि आपके लिए क्या सही रहेगा। थैंक यू।